बहुत तेज़ बारिश हो रही है। चीज़ ऐड कर दी है मैंने मैंने इसमें और चिकन ऐड कर लिए। चिकन पॉप्सिकल रेडी हो गए। ये मेरा इफ्तार भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ना कपड़े सूख रहे थे वो सारे गीले हो गए। बहुत तेज़ हो रही है, आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर से इतना तेज़ पानी आ रहा है तो बाहर कितना तेज़ हो रहा होगा। मेरा मोबाइल भी गीला हो रहा है और ना मैं आगे भी नहीं जा सकती हूँ डर की वजह से। मुझे इतना डर लग रहा है, क्यों सब सो चुके हैं, बच्चे भी सो गए हैं, हस्बैंड भी सो गए हैं, मैं ही उठी हुई थी, बस मैं भी सोने वाली थी। मैं लॉक करने आई हूँ बाहर तो इतनी तेज़ बारिश, अंदर पता नहीं चलता बारिश का, तेज़ भी हो तो हल्की हो तो भी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं तो हम अभी से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे तो जाके फिर हमारी इफ्तारी के टाइम तक ही तैयारी होगी। और ये मैं बना रही हूँ चिकन पॉप्सिकल, लेकिन अभी मेरे पास आइसक्रीम की स्टिक्स नहीं हैं, मैंने मंगवाई हैं। अगर वो मिल जाती हैं तो ये चिकन पॉप्सिकल्स बनेंगे और अगर वो नहीं मिलती हैं तो फिर मैं इसको कुछ और जुगाड़ करके तो फिर मैं बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी जो इसकी रेसिपी मेन रेसिपी है मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हमने आलू बॉईल किए, उसमें हमने डाल दी चिकन मैश करके और अब मैं डालूँगी मिक्स हर्ब, बहुत ज़्यादा नहीं डालने, ये ऑप्शनल है। अगर हैं आप लोगों के पास तो डाल सकते हैं और नहीं हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम चिकन पाउडर भी डालेंगे इसमें तो चिकन पाउडर में भी नमक होता है थोड़ा। और यहाँ पर अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, और चिली फ्लेक्स, बस इतने से टेस्ट के लिए, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इससे। और अब हम डालेंगे इसमें चिकन पाउडर, ये भी थोड़ा डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें चिकन है तो टेस्ट चिकन का ही होगा। चीज़ ऐड कर दी है मैंने और इसको बहुत बारीक क्रश किया है और अब इसको मिक्स करके फिर हम इसको रख देंगे साइड पर, क्योंकि अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है चिकन शवरमा, जो कि मैं अपने स्टाइल में, देसी स्टाइल में बना रही हूँ। क्योंकि जो अरब ममालिक में बनता है बेसिकली जो शवरमा होता है सही वाला शवरमा, उसमें ताहिनी सॉस डलता है, हुमस डलता है, तो वो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इसमें चने भी डलते हैं और तिल होते हैं और सॉस बनता है पूरा बाकायदा, तो वो भी मुझे आता है। मैंने एक मरतबा बनाया है, बहुत मेहनत लगती है उसमें, गार्लिक मायो बनानी पड़ती है। वैसे अब तो यहाँ पर रेडीमेड मिलने शुरू हो गई है, उस टाइम पर नहीं मिलती थी कि जब मैंने ये बनाया था सॉस, तो उसके लिए ना मैंने ये पहले से अभी गूंद लिया है आटा और इसको ना मैंने ढक के रख दिया है। तो अब इसके लिए चिकन का ये मैंने टिक्का कल जो बनाया था ना उसमें से एक पीस मैंने बचा लिया था, तो उसका मैंने ये इस तरह से पीसेस काट लिए हैं। और यहाँ पे हमने बंद गोभी फ्रीज किया हुआ था वो निकाल लिया है, ये शिमला मिर्च है और ये गाजर है, इसको ना इसकी आइस थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम ये सब चिकन में मिक्स कर देंगे। और अब बनाते हैं हम इसमें डालने वाला सॉस। सबसे पहले तो हम सिरके वाला बनाते हैं, ये सिरका है इसके अंदर, ये हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। और इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स, बस इतना ही सिरका डालना है और इतने ही चिली फ्लेक्स डालने हैं कि बस ये डिप हो जाए इसके अंदर ऐसे कर, बस इतना ही ऐसा करना है कि ये इसको ना जो चिली फ्लेक्स है ये सिरके को ना सॉक कर लेगा, तो फिर हम इसको डालेंगे। और ये पूरे सॉस जो बना रही हूँ उसके अंदर नहीं डालूंगी, इसको अलग ही रखूँगी सेपरेट। तो अब जो मेन सॉस बना रहे हैं ये है हमारा दही, इसको फेंट लेते हैं। दही के अंदर जाएगा हमारा केचप,
और फिर दही, थोड़ा जितना दही लेना है इतना ही हमें मायोनीज लेना है। इसको हम अभिषा यहाँ खड़ी हुई मेरे पास, तो वो इसमें से आवाज़ आई है ना, एयर था इसके अंदर, तो वो अभिषा डर गई। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने डाल दिया चिकन पाउडर, अब ये आ गया हमारा गार्लिक पाउडर। बस इसको ओपन करते हुए इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से, 1 स्पून डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बच्चों का हो गया, जब बच्चों का शवरमा बना लूँगी तो फिर ये वाले जो चिली हैं हमारी, ये हम फिर इसमें मिक्स करके तो फिर मैं बड़ों के लिए बना लूँगी। चिकन और वेजिटेबल्स मिक्स हो चुकी हैं और हम स्पून से भी इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर चाहें तो चिकन ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं और डाल लेती हूँ, मुझे चिकन इसमें कम लग रहा है। चलिए मैं चिकन और डाल लेती हूँ। मैंने इसमें और चिकन ऐड कर लिए। ये हमारे शवरमे का रेडी हो गया है सॉस। और ये जो शवरमा है ये बिल्कुल देसी स्टाइल में बनेगा। और ग्रीन चटनी के लिए मैं ये यूज़ करूँगी ग्रीन चिली सॉस। सबसे पहले चीकू शेक के लिए मैंने दूध में चीनी मिक्स करके रख ली है, बस अभी चीकू आ रहे हैं तो फिर इसमें चीकू डाल के हम चीकू शेक बना लेंगे और क्रीम डाल देंगे। अब यहाँ पर शवरमे के लिए ये मैंने थोड़ा सा ही आटा बनाया था, लेकिन इसके बड़े बड़े 4 पेड़े बन गए, तो मैं इनके बड़े ही जितने बड़े साइज़ का शवरमा बनेगा बना लूँगी, फिर बीच में से कट करके 2 कर लूँगी। तो ये मैंने तवा रखा हुआ है, गैस जा चुकी है, तो बस इसको जल्दी जल्दी से मैं पीटा ब्रेड बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है, बस हल्का हल्का सा सेकना है कि कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मैंने हल्की हल्की और ये सेक ली है, और अगर इससे भी कम सेकती ना फिर बच्चे नहीं खाते कि मम्मा ये कच्ची हैं। इसको पूरे में लगा लेंगे, चाहे तो ये सॉस डाल लें या चाहे तो मायोनीज डाल लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये चिकन पॉप्सिकल रेडी हो गए, ये देखें, और यहाँ पर ये हो रहे हैं और अजान हो गई है, और यहाँ पर ये मेरा इफ्तार भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का। और ये हमारे शवर में भी मज़ेदार तैयार है।